हेलो गाइस, मेरा नाम है अवधेश और आप देख रहे हैं सिविल सपोर्टिंग यूट्यूब चैनल। गाइस, आज जिस वैकेंसी की बात करेंगे वो वैकेंसी आई है डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म बिहार एलआरसी की तरफ से। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है, लगभग 6,875 पोस्ट आई हुई है जो सिविल इंजीनियरिंग के लिए, जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक या डिप्लोमा कर रखा है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो चलिए बात करते हैं क्या इम्पोर्टेंट डेट है और कितनी फीस लगेगी और ढेर सारी जानकारी हम लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म बिहार एलआरसी, यानी कि बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं, तो अप्लीकेशन बिगिन होगा 11 मार्च 2019 से। ठीक है, और 11 मार्च काफ़ी स्पेशल है क्योंकि मेरा जन्मदिन भी है। और लास्ट डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन का 1 अप्रैल 2019 है, और लास्ट डेट ऑफ पे एग्ज़ाम फीस वो है 1 अप्रैल 2019। लास्ट डेट ऑफ फाइनल सबमिशन वो भी 1 अप्रैल 2019 है। और एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड का डेट अभी आया नहीं है, जैसे ही आता है मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। ठीक है, अप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं, तो अप्लीकेशन फ़ी भी अभी जो है कि जो हमने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है उसमें अप्लीकेशन फ़ी और एग्ज़ाम डेट के बारे में या फिर क्या सिलेबस पैटर्न रहेगा इसके बारे में कोई अभी जानकारी नहीं है। जैसे ही हमें जानकारी मिलती है हम आपको बिल्कुल बताएंगे, फिर एक दूसरे वीडियो में जो है इन्फॉर्म कर देंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कितनी पोस्ट आई हुई है उसकी बात कर लेते हैं। तो वैकेंसी डिटेल की बात करते हैं, तो टोटल 6,875 पोस्ट है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है। ठीक है, और इसमें जो एज लिमिट लिया जाएगा उसमें एक जो है 1 जनवरी 2019 से कैलकुलेट किया जाएगा आपकी एज लिमिट, और इसमें एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। तो चलिए पोस्ट नेम की बात कर लेते हैं। स्पेशल सर्वे एमीन की जो पोस्ट है वो 4,950 टोटल पोस्ट है, जिसमें एज लिमिट 18 से 37 साल मांगा गया है, और इसमें एलिजिबिलिटी इन्होंने मांगा है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, और एमीन के लिए जो पोस्ट है टोटल 550 पोस्ट आई हुई है, जिसमें 18 से 37 साल जो है कि एज लिमिट मांगा गया है, और इसमें डिग्री इन एमीन आर आईटीआई इन सर्वेयर। ठीक है, अब स्पेशल सर्वे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, इसके लिए जो है कि टोटल 2,275 पोस्ट है सॉरी, और एज लिमिट जो है कि 21 से 37 साल मांगा गया है। इसमें आपने अगर सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस, इसमें जो है 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ठीक है, और नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है स्पेशल सर्वे कॉनोंज, स्पेशल सर्वे कॉनोंज का 550 जो है पोस्ट है, जिसमें एज लिमिट जो 18 से 37 साल, इसमें इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। स्पेशल सर्वे कलर का जो है 550 पोस्ट है और एज लिमिट, और इसमें बैचलर डिग्री ऑफ एनी स्ट्रीम फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इसमें बैचलर डिग्री मांगा गया है। ठीक है, बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कैटेगरी वाइज जो है कि वैकेंसी की डिटेल जो है दी गई है आपको। तो इसमें देखिए स्पेशल एमीन की बात करें तो जनरल में 1,980 पोस्ट है। ठीक है, AWS में इकोनॉमिकल वीक सेक्शन, इसमें जो है कि 495। ठीक है, EBC में और OBC में 594, OBC फीमेल में 148, SC में जो है कि 792, ST में 50। तो टोटल जो वैकेंसी है वो कितना है, 4,950 वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो ये देख लीजिए कैटेगरी वाइज जो है कि इसकी वैकेंसी की डिटेल ये रही, और इसका नोटिफिकेशन मैं आपको जो है कि डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन में भी कोई खास जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इसको इस वीडियो को काफ़ी शॉर्ट में बना दे रहा हूँ। बाकी जब मुझे पूरी जानकारी मिलेगी तो फिर एक बार से फिर से मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नोटिफिकेशन के लिए जो है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और यही सारी जानकारी जैसे वहाँ पर नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा।
ठीक है। और हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। हम आपके लिए जो है कि इसी तरीके की सारी जितनी भी वैकेंसी आ रही हैं उनकी नोटिफिकेशन आपके लिए लाते रहते हैं, साथ ही साथ एग्ज़ाम से रिलेटेड टिप ट्रिक्स और स्टडी मटेरियल हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपको किसी भी सब्जेक्ट की अगर स्टडी मटेरियल भी चाहिए तो आप मुझसे कह सकते हैं, मैं उसका पीडीएफ मैं आपको जो है मैसेज कर दूंगा आपके मेल पे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।